शिवसेना इस वक्त सत्ता के लिए अपने विचारधारा को मातोश्री के किसी बक्से में बंद कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सीएम तो बन गए, लेकिन कुर्सी के लिए सोनिया गांधी और शरद पवार के आगे नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी भी उद्धव ठाकरे को आंख दिखा रहे हैं। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में शिवसेना ने सरकार का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके उन पार्टियों को धमकाया जो इस बिल पर बीजेपी का साथ दिया था, वैसे ही शिवसेना ने पलटी मार ली। संजय राउत बोले कि लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए, राज्यसभा में क्या होगा वो देखिएगा। उद्धव ठाकरे भी नागरिकता बिल पर सरकार पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन अब शिवसेना के सांसदों के बीच ही बिल पर बवाल मच गया है और शिवसेना दो फाड़ में बंटती दिख रही है। एक तरफ संजय राउत कांग्रेस के इशारे पर बिल का विरोध करने के मूड में है और शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी बिल के खिलाफ लेख छापी गई, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने से पहले शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बात करती थी। दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम राष्ट्रहित में खड़े रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग भूमिका का क्या मतलब है, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। मतलब साफ है कि नागरिकता बिल पर संजय राउत और अरविंद सावंत आमने सामने हैं। संजय राउत के बयान से तो यही लग रहा है कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी की कठपुतली बनती जा रही है, लेकिन शिवसेना में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो देश हित और हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, और अगर संजय राउत ऐसे ही बयान देते रहे तो एक दिन शिवसेना में बगावत का सुर तेज हो सकता है। अब ये तो उद्धव ठाकरे को तय करना है कि शिवसेना अपनी विचारधारा पर चलेगी या कांग्रेस और एनसीपी के इशारों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।